यूपी में साहित्य और आंदोलनों की जननी कही जाने वाली पूर्वांचल की धरती पर अब चुनाव बचा है। यहाँ मंदिर, मजहब, आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई सरीखे मुद्दों की चर्चा तो है, पर हर तरफ जाति के समीकरण हावी दिख रहे हैं। मतदाताओं पर जातीय अस्मिता का सवाल इतना छाया हुआ है कि उसके सामने दूसरे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। छठवें चरण की 14 सीटों पर ऐसा ही नज़ारा दिखा। अब अंतिम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर जाति ही सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 14 पर 25 मई को मतदान हो चुका है। शेष 13 सीटों पर 1 जून को मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। कुर्सी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है। पिछले चुनावों में ये समाज पार्टी के साथ दिखा भी। इस चुनाव में पार्टी ने कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल में एक भी कुर्सी उम्मीदवार नहीं दिया। राज्य सरकार में भी इस समाज की हिस्सेदारी नहीं थी। गठबंधन में बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्सी समाज के प्रत्याशी देकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने का दाव चला। इंडिया और एनडीए प्रत्याशी में से कौन जीतेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। गठबंधन इस समाज के मतों में सेंधभारी में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। इसी तरह सुल्तानपुर में 8 बार के सांसद व भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी मैदान में हैं। यूं तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला, पर निषाद मतों को साधने के लिए उन्होंने खास प्रयास किया। निषाद पार्टी के नेता संजू निषाद की सभा कराई। वहीं सपा प्रत्याशी के MY मुस्लिम व यादव फैक्टर में कुछ क्षत्रिय मतदाताओं का साथ मिलने से लड़ाई कांटे की हो गई है। केसरगंज और डुमरियागंज में गठबंधन ने ब्राह्मण प्रत्याशी का दाव चला। जाति आरक्षण व संविधान की बात करने के बावजूद कई जगह गठबंधन ब्राह्मण मतों से सेंध लगाता नजर आया। दोनों ही सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच ब्राह्मण मतदाता बढ़ते नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि डुमरियागंज में आज़ाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह मैदान में होने से कुर्सी समाज का एक हिस्सा उनके साथ लामबंद नजर आया। संत कबीर नगर में भी जातीय समीकरण हावी रहे। आजमगढ़ और जौनपुर में तो MY समीकरण ने खूब काम किया। दलितों के कुछ वोट भी सपा को मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी को सवर्ण मतदाताओं के साथ ही गैर यादव OBC का समर्थन मिला। भदोही में सवर्ण और विंध मतदाता भाजपा के पाले में रहे, तो TMC प्रत्याशी ने ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाब हो पाए। प्रतापगढ़ में भी मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहे। 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है। इन सीटों पर भी मतदाता मुद्दों की चर्चा तो कर रहे हैं, पर वोट देने का आधार पूछने पर यही कहते हैं जिधर उनकी बिरादरी के सब लोग जाएंगे उधर ही उनका रुख होगा। वो मुद्दों की बजाय ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद आदि जातीय पहचान में ही बटे दिख रहे हैं।